नमस्कार दोस्तों, कृषि विभाग डायरेक्ट भर्ती 2024-25 के आज जानकारी देने वाले हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई फीस नहीं भरनी, सैलरी आपको 21,000 रुपए प्लस मिलने वाली। चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया, सैलरी की आपको बताई दिया, संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे इंडिया में निकलने वाली हर एक भर्ती की जानकारी, हर सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको हम देते रहेंगे, आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये भर्ती निकली है साइड मैप की तरफ से, और आपको जैसे कि हम बता दें कि साइड मैप जो है वो आउटसोर्स कंपनी साइड में भोपाल से, भोपाल ने पोर्टल पर जो भर्ती निकालते हैं, जो जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है, अधिक से आवेदन हो जाने, आवश्यकता से अधिक आवेदन हो जाने से आवेदन लिंक को बंद कर दिया जाता है। इसलिए जब भी आप इस तरह की भर्ती आप देखें साइड मैप पर, तो तुरंत अप्लाई कर, इस तरह की भर्ती कोई लास्ट डेट नहीं होती है। यदि आप सहमत हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक की दीजिए। मैं आज वीडियो ये अपलोड कर रहा हूं, अभी तक आप जितनी जल्दी हो सके इसे अप्लाई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये लिंक कभी भी हट सकती है, ठीक है। इसमें कोई जो है वो लास्ट डेट नहीं होती। तो अगर हम बात करें तो साइड मैप की तरफ से भर्ती, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर साइड मैप खोल रखा है। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दी जाएगी। भर्ती की कुशल कंप्यूटर ऑपरेटर संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग भोपाल, ये भर्ती दोस्तों भोपाल में निकली है। यहाँ पर ये शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक, किसी भी विषय में स्नातक, एक वर्ष की कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जॉब टाइटल की बात करें दोस्तों तो कुशल कंप्यूटर ऑपरेटर है। कुल पदों की अगर बात करें तो एक पद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्नातक, किसी भी विषय में एक वर्ष की कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास 5 वर्ष का है तो जरूर आप अप्लाई करें, और अगर 1 वर्ष का है तो अप्लाई आप जरूर कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग, पावर पॉइंट प्रोजेक्शन आदि कार्य में दक्षता होनी चाहिए। लोकेशन की बात करें तो विंध्याचल भवन भोपाल में लोकेशन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों 21,869 रुपये आपकी सैलरी रहेगी और 31 मार्च 2025 तक। नौकरी की अगर हम बात करें तो इसके 12/13/2024 को इसका जो पद बताया गया है। नौकरी का प्रकार तो अनुबंध है दोस्तों, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव आपको जरूरी है, जैसे कि यहाँ पर बताया 5 साल का। वेतन की अगर बात करें तो वेतन में आपको बता दिया 21,869 रुपये, पद की संख्या 1 है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आवेदन कर दिया, अगर इसमें एक पद है, अगर इसमें 5-6 आवेदन डल गया तो ये बंद हो जाएगा। मेरी दिलचस्पी है पर क्लिक कर देना है। कुशल कंप्यूटर ऑपरेटर संचालनालय, यहाँ पर आपको जो है वो अपना रिज्यूम अपलोड करना है। यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, यहाँ पर जैसे कि हम नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान से एंटर करना है दोस्तों, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ध्यान से एंटर करना है, क्योंकि इस पर ही अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसी पर आपको जो है वो रिप्लाई दिया जाएगा। आधार नंबर डाल देना है, वर्तमान स्थान डाल देना, उसके बाद पसंदीदा स्थान डाल देना, शैक्षणिक योग्यता डाल देनी है, अगर कार्य का अनुभव है तो वो डाल देना, कितना वेतन मिलता था, अपेक्षित वेतन आप कितना चाहते हैं, अनुग्रह जानकारी फिर से ब्राउजर पे आपको जो है वो डाल देना है, ठीक है। क्या डालना है यहाँ पर ब्राउजर से, जैसे कि आपको यहाँ पर आपने रिज्यूम डाला था उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक बार फिर से रिज्यूम अपलोड करना होगा, कैप्चा फिल कर देना है ना, आवेदन जमा कर देना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ही आपको जो है वो मेल पर रिप्लाई या फोन पर फोन कॉल आएंगे, नहीं तो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार की नौकरी के लिए अगर और जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कृषि विभाग में निकली भर्ती में अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप संसद में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।